जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। बोरवेल में गिरे राहुल तक पहुंचने में लग सकते हैं 5 घंटे। सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। जांजगीर मालखा रोदा ब्लॉक के पिहरेदी में शुक्रवार की शाम बोर में गिरे 10 साल का बालक को बचाने का प्रयास रात भर जारी रहा। शनिवार की सुबह तक करीब 40 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया। NDRF की टीम रेस्क्यू अभियान जारी रखा है। बच्चे की गतिविधियों पर CCTV से नजर रखी जा रही है। उस तक केला फ्रूटी सहित अन्य खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। बच्चा रात में 12 बजे के करीब सो गया था, सुबह से फिर उसकी आवाज़ आ रही है। इस बीच CM भूपेश बघेल ने ट्वीट पर बच्चे का वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी है कि राहुल तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। ग्राम फेरित निवासी रामकुमार उर्फ लाला राम साहू का पुत्र राहुल साहू 10 साल मानसिक रूप से कमजोर है। शुक्रवार को वह शाम 4 बजे घर की बाड़ी में खेलने गया और बोर में गिर गया। घर के लोगों ने जब उसकी खोजबीन की तो बोर से उसकी आवाज़ आई, तब पता चला कि वह बोर में गिर गया है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच घटना की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंच गया। बोर के कुछ दूरी पर गड्ढा खोदने का काम प्रशासन, पुलिस और ग्रामीण बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास में जुटे थे। बालक की लगभग 60 से 65 फीट की गहराई में फंसे होने की बात बचाव टीम ने कही है। ऑपरेशन में जुटे रहे। बच्चे को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वही मोबाइल कैमरा भेजकर भी उसकी जानकारी ली गई। आसपास बैरिकेड लगा दिया गया। जैसी भी वह चैन माउंटेन से खुदाई जारी थी। रात के लिए बिजली का प्रबंध भी किया गया। देर रात NDRF उड़ीसा की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही अभियान तेज हो गया। सुबह तक करीब 40 मंत्री भूपेश बघेल ने उच्च अधिकारियों से रेस्क्यू के संबंध में जानकारी ली और हर संभव प्रयास कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के निर्देश दिए। प्रशासन व पुलिस ने आपका पाइप ज्यादा चला गया, थोड़ा ऊपर ले आइए। नहीं नहीं पानी नहीं है सर, पानी नहीं।